हाय फ्रेंड्स, मैं हूं धीराज, फिजिकल ट्रेनर ऑफ एसएसबी। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं वेट लॉस करने का सबसे आसान तरीका। दोस्तों, हम सब फिट होना चाहता है, लेकिन बहुत सी रीजन मजबूरी होता है जिसके वजह से हम ये फिट नहीं हो पाता। फिट यानी आपका हाइट प्लस एज के हिसाब से वेट को कंट्रोल करते हुए स्वस्थ रहने को फिट कहते हैं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ बहुत सी आसान एक्सरसाइज और कुछ टिप्स जिसको आप फॉलो करके आसानी से फिट हो सकते हो, यानी आप भी वेट लॉस कर सकते हो। तो शुरू करता हूँ आज का वीडियो। दोस्तों, वेट बढ़ने का बहुत सी रीजन होता है, जैसे कि जेनेटिक। मोटापा आपकी जीन पे है या आपकी पेरेंट्स से मिला हुआ है जिसके वजह से आप मोटा होने लगते हो। ज़्यादा खाना खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने से भी हम मोटा होते हैं। ये अक्सर ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। कैलोरीज तो हम ले लेते हैं, लेकिन इसे यूज़ नहीं कर पाते, जिसके वजह से कैलोरी फैट बन जाता है और हम मोटा होने लगता है। एज, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ने लग जाता है तो हम मोटा होने लगता है। इसका कारण है मेटाबॉलिज्म कम होना। जो भी हम खाना खाता है उसको कैलोरीज में कन्वर्ट होकर शरीर के ज़रूरत के मुताबिक यूज होता है। शरीर का ग्रोथ और दिन भर का वर्क के हिसाब से ये कैलोरी यूज होता है, लेकिन हम लिमिट एज तक ही शरीर का ग्रोथ होता है और दिन भर में हम कोई खास वर्क करते नहीं, जिसका वजह से कैलोरी स्टॉक होते जाता है और वही कैलोरी फैट बन जाता है, हम मोटा हो जाता है, यानी वेट बढ़ते जाता है। अगर आपको इन तीन कारण से मोटा हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हो। बस कुछ एक्सरसाइज और डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरा रीजन से आप मोटा हो रहे हो तो आपको डॉक्टर का सलाह लेना पड़ेगा। अब बात करता हूँ वेट कैसे कम करेंगे। वेट कम करने के लिए सबसे पहले डाइट, यानी आपको खाने पीने पे ध्यान देना पड़ेगा। ज़रूरत के हिसाब से ही आपको खाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। जंक फूड जैसे कि समोसा, बर्गर, इडली, डोसा, रोल, रैम, चाउमीन, मोमो, पकौड़े छोड़ना पड़ेगा। जिंक यानी बेकार का चीज़ जिसका कोई फायदा नहीं, बस नुकसान ही नुकसान है। घर का खाना खाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। ऑयल और मसाले को कम खाना है। खाने को ज़्यादा से ज़्यादा सुबह के खाना है, जिससे आपको डाइजेस्ट करने में बहुत ही आसान रहेगा और ज़्यादा खाना खाने से अपने आप को रुकेगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, खाने से पहले और खाने के बाद तुरंत बाद पानी पीना नहीं है, क्योंकि इससे आपका खाना पतला हो जाता है और आपको डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है। ये ठीक उस आम जानकारी जो कि आपको मोटा होने से रोकेगा। अब मैं बताऊंगा कुछ एक्सरसाइज जो कि आपको फॉलो करना है। दोस्तों, हम एक्सरसाइज करने में बहुत ही गलती करते हैं, जैसे कि आजकल मोटिवेशन टाइप का वीडियो देख के या तो एक्सरसाइज देख के आप अचानक जोश आ जाता है आपके अंदर और बहुत ही हार्ड एक्सरसाइज शुरू कर देते हो, जिससे आपका शरीर टूटने लगता है या तो इंजरीज होने का चांस रहता है। और ये इतना हार्ड होता है जिसके वजह से हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। जिसका वेट ज़्यादा है, 90 के जी से एबव है और जिसका एज ज़्यादा है, उसको वॉकिंग से ही शुरुआत करना चाहिए। हाँ, अगर रनिंग कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैं कुछ आसान सा एक्सरसाइज आपको बताऊंगा जो कि आपको फॉलो करना है। दोस्तों, मैं जितना भी एक्सरसाइज बताऊंगा ये देखने में तो आसान लगेगा, लेकिन आसान से ही शुरुआत करना चाहिए। इसको हम मुश्किल कैसे बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिपिटिशन लगा के और ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगा के हम इसको मुश्किल बनाएंगे। जैसे कि नंबर वन एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज,
थर्ड एक्सरसाइज ये ठीक उस आसान सा एक्सरसाइज जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन या सेट लगा के थोड़ा हार्ड बनाना है। अब मैं बताऊंगा थोड़ा सा एडवांस एक्सरसाइज जो कि आपको धीरे धीरे इसको करने के लिए कोशिश करना है। चौथा एक्सरसाइज है प्लैंक। ये एक्सरसाइज आपको 30 से 40 सेकेंड होल्ड करने के लिए कोशिश करना है और साड़ियां पास सेट करना है। फिफ्थ एक्सरसाइज सिक्स एक्सरसाइज सेवन एक्सरसाइज दोस्तों, ये जितने भी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को बताए हैं रेगुलर बेसिस पर करना है और आपके बात कीजिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, ऐसा ही वीडियो दोबारा से आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय अहम, धन्यवाद।